देखिए आज हम लोग क्लास 7 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 6 द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी के ट्राई दिस पेज नंबर 122 करने वाले। तो देखिए हमने आपके लिए क्वेश्चन जो है वो लिख दिया है, तो हम एक एक करके सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, द टू एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर 30 डिग्री एंड 80 डिग्री, फाइंड द थर्ड एंगल। ठीक है, तो पहले हम जो करेंगे वो करेंगे हम एक रफ स्केच बना लेंगे ट्रायंगल का। तो देखिए ट्रायंगल कुछ इस तरह से है कि एक एंगल कहा गया हमारा 80 डिग्री। ठीक है, एक 80 डिग्री है, मान लीजिए ए वाला एंगल हमारा हो गया 80 डिग्री। ठीक है, और ए वाला एंगल हो गया 30। ठीक है, तो हम यहां पे कर देते हैं ए बी सी। तो हमें क्या पता है, हमें एंगल सम प्रॉपर्टी पता है, तो हम पहले वो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या पता है देख लेते हैं। देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से जो तीनों एंगल होते हैं, तो यहां पर होगा एंगल ए प्लस बी का दिया हुआ है 80 डिग्री, ठीक है, और सी का हमने लिया है 30। ठीक है, जो यहाँ पे 30 और 80 कहा गया था इक्वल टू होगा 180। मतलब यहाँ पे जो सम ऑफ ऑल एंगल, मतलब सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो यहां एंगल ए प्लस 110, इन दोनों को सम करेंगे तो 110 आ जाएगा इक्वल टू 180। ठीक है, और एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस 110 और इक्वल टू 70। तो हम क्या लिखेंगे, द थर्ड एंगल इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 80 डिग्री, एक एंगल 80 डिग्री है एंड द अदर टू एंगल आर इक्वल, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ इक्वल एंगल। ठीक है, तो हम यहां पे जो कहा गया है कि जो एक एंगल है वो 80 डिग्री है और बाकी दो जो एंगल है वो इक्वल है, तो हम यहाँ पे एक रफ स्केच बनाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो एंगल है, ये वाला एंगल हम ले लेते हैं 80 डिग्री। ठीक है, और बाकी दो एंगल जो इक्वल है हम उनको लेते हैं एक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेट द इक्वल एंगल्स बी एक्स, इक्वल एंगल के जो मेजर्स है वो हमने एक्स लिया है। तो अभी हमें एंगल सम प्रॉपर्टी तो पता ही है, तो हम लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या आ जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी के साथ जाएगा 80 प्लस एक्स इक्वल टू होगा 180। ठीक है, तो यहां पे अभी देखिए इन दोनों का सम करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 2x और यहां पे आ गया 180 माइनस 80। ठीक है, तो अगर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 100 और यहां पे 2x था तो x इक्वल टू 100 बाय 2 और यहां पे हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल इज 50 डिग्री। तो देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखिए, द थ्री एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन रेशियो ऑफ 1:2:1। ठीक है, फाइंड द एंगल ऑफ द ट्राइंगल, क्लासीफाई द ट्राइंगल इन टू डिफरेंट वे। ठीक है, तो हम यहां पे जो स्मॉलेस्ट एंगल है उसको हम एक्स पकड़ लेते हैं। ठीक है, अगर हम यहां पे स्मॉलेस्ट एंगल जो है वो एक्स है तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हमारा हो जाएगा देखिए, तो यहां पे हो जाएगा x:2x:x। अभी हमें एंगल सम प्रॉपर्टी पता है, एंगल सम प्रॉपर्टी हम यहां पे यूज करने वाले हैं। देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से x प्लस 2x प्लस x इक्वल टू क्या होगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 4x इक्वल टू 180 और यहां पे अगर हम x करेंगे तो 180 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो यहां पे देखिए यहां पे क्या आ जाएगा, तो यहां पे हम लिख लेते हैं x इक्वल टू आ जाएगा, देखिए हम अगर डिवाइड करेंगे तो यहां पे आ गया 4 और यहां पे 5 45 डिग्री। ठीक है, तो एंगल क्या हो गया, एंगल्स मेजरमेंट ऑफ एंगल लिख लेते हैं, मेजरमेंट्स ऑफ एंगल होंगे 45 डिग्री। ठीक है, और होगा 90 और लास्ट वाला है 45। अभी देखिए यहां पे हमें कहा है क्लासिफाई द ट्रायंगल इन टू वे। ठीक है, तो देखिए बेस्ड ऑन एंगल क्या होगा, बेस्ड ऑन एंगल हो जाएगा, देखिए एक एंगल जो है वो 90 डिग्री है तो बेस्ड ऑफ एंगल हो जाएगा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। अभी देखिए अभी बेस्ड ऑफ साइड देखना हमें, देखिए यहाँ पे दो एंगल जो है वो इक्वल है, इक्वल टू 45 है, मतलब दो अगर दो बेस एंगल इक्वल है मतलब उसके जो अपोजिट साइड होते हैं वो भी इक्वल है, मतलब वो आइसोस्केल ट्रायंगल है। तो हम बेस्ड ऑफ साइड क्या लिखेंगे, आइसोस्केल ट्रायंगल। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जो है वो समझ में आया। देखिए ये जो पूरा जो ट्राइडिस था वो एंगल सम प्रॉपर्टी पे था,
एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है कि द सम ऑफ थ्री एंगल इज इक्वल टू 180। देखिए इसका जो प्रूव है कि 180 कैसे होता है वो भी हमने सॉल्व किया है, उसके ऊपर हमने सेपरेट वीडियो बनाया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से वीडियो में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट से पूछे, हम आपकी डाउट क्लियर करने की, आपकी कंफ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने शेयर कीजिए, और ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जब वीडियो बनेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।